आज हम आ चुके हैं नेहरू प्लेस के अंदर, जहाँ पर मिलते हैं शर्मा जी के मशहूर दही बल्ले। तो आप एक बार सेटअप देख सकते हो कितना बढ़िया है। अंकल जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ लगाते हुए? 99 से, मतलब 22 साल हो चुके हैं। तो मतलब 99 में कितने रुपए की प्लेट थी उस टाइम? 10 रुपए से स्टार्ट किया था। तो अभी 30 की है, तो मतलब बहुत फेमस है। देखो कितने लोग खड़े हो गए यहाँ पर खा रहे हैं अभी भी। तो ये आप सेटअप देख सकते हो भाई, ये इतना बड़ा यार, ये टब टाइप साइज के अंदर बहुत नई नई चीज़ें, और शर्मा जी के मशहूर दही बल्ले। और इस वक्त हूँ मैं नेहरू प्लेस के अंदर। हाँ जी, ये 15 प्रकार के मसाले होते हैं। 15 प्रकार के? मिर्ची होती है, पीली पीली मिर्च होती है। ये पीली मिर्च तो मैंने सुना महंगी आती है काफ़ी, है ना? ये 2 प्रकार के नमक होती है इसमें, जो हमारा चटनी होती है खजूर का चटनी होती है, 6 महीने तक गारंटी होती है। 6 महीने अगर ऐसी बाहर रखूँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। एक बार आप चटनी दोबारा दिखाना, देखो भाई कितनी चटनी, देखो कितनी गाढ़ी है। ओए होए होए भाई साहब, चीनी तो नहीं मिक्स होती इसमें? गुड़ होता है। और ये क्या पापड़ी, ये रोज बना तो नहीं? और भाई क्रंची पापड़ी होगा इनका, मैं डेली ताजी बनती है। ये देखो भाई पापड़ी, देखो कितनी क्रंची है। और ये इनके मसाले, ये वाला 15 प्रकार के मसाले इसमें, और तेरी जीरा, ये सब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं भाई के अंदर। तो हम भी अपनी एक बार प्लेट लगवाते हैं और सेटअप एक बार इसके अंदर दिखाता हूँ मैं क्या है। तो अंकल जी इसके अंदर क्या रखते हो आप? इसके अंदर हमारा जो दही होती है केवी। अरे भाई साहब दही देखो कितना गाढ़ा है, ठंडी दही होगी आपको, ठंडी एकदम। ये जो बल्ले होती है हमारे, मूंग का दाल का बल्ले होती है ये, देखो भाई ये इसी के अंदर रहते हैं क्या? अरे भाई साहब क्या बात है, बढ़ाते जाते हो, क्या बात है। तो भाई मैं आपको एक बार लोकेशन बता दूं, ये नेहरू प्लेस की मेन मार्केट है, मेट्रो स्टेशन उस तरफ है, यहाँ से बिल्कुल सीधा हो गए तो यहाँ अंकल जी मिलेंगे। तो अंकल जी हमारे लिए भी एक प्लेट लगा दो आप। तो ये हमारी प्लेट लगने जा रही है, आप चेक कर सकते हो। ये देखो ये भल्ला, ये किस चीज़ का होता है वैसे भल्ला? मूंग का दाल का। और भाई ये दही के अंदर एकदम डूबा होता है, तो ये बिल्कुल दही का फ्लेवर आएगा इसमें, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और ये है भाई यहाँ पापड़ी, आप चेक कर सकते हो, आवाज़ देखो पापड़ी कितनी गजब। ये देखो तो यहाँ पर ये पापड़ी आ चुकी है। ये जो होती है 15 प्रकार के मसाले होते हैं। 15 प्रकार के मसाले, क्या बात है भाई साहब। ये है पीली मिर्च, 2 प्रकार के नमक होते हैं। 2 प्रकार के नमक कौन कौन से? एक संधा नमक होती है, काला नमक होती है। ये देखो भाई दही चेक करो आप, अरे वाह, और वापस से जाते हैं वापस मसाले सारे डबल बार जाते हैं। और ये आगे भाई चटनी जो बहुत ज़्यादा फेमस है अंकल की, जो बहुत 6 महीने तक ये बिल्कुल वो रहती है, ख़राब नहीं होती। तो भाई ये आ चुकी है अपनी पूरी प्लेट, आप चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है भाई साहब। तो मैं इसको करने जा रहा हूँ भाई टेस्ट, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा है भाई पैकिंग के लिए है। ये 30 रुपए की मिलती है इतनी? 50। ये 50 वाली है ना, 50 का होगा, क्योंकि भाई कंटेनर भी देख सकते हो आप काफी ज्यादा बड़ा है। पापड़ी है, भल्ले हैं, मतलब सब कुछ है, देखो बहुत बढ़िया लग रही है। तो मैं बनाता हूँ अपने लिए एक बाइट। ये देखो थोड़ी चटनी भी लगा लेता हूँ जो अंकल ने कहा है बहुत अच्छी है। भाई इनका जो टेस्ट है इतना ज्यादा बढ़िया है, मतलब भल्ले का जो टेस्ट आ रहा है ना वो दही में मिक्सअप होकर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने मिक्स कर रखे हैं। और पापड़ी यार बहुत ज़्यादा क्रंची है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो असली चाट होती है ना उसमें कभी भी हरी चटनी डलती, तो यहाँ सिर्फ बाहर जो डालते हैं वो हरी चटनी भी डालते हैं बट वो डलती नहीं है। तो एक बाइट और ले लेते हैं। बहुत
बहुत बढ़िया है। जैसे मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे कस्टमर रिव्यू। भैया नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया। आप यहाँ डेली आते हो? कितना टाइम हो गया आपको खाते हो यहाँ पे? मैं लास्ट 1 ईयर से खा रहा हूँ। अच्छा, जब भी मैं नेहरू प्लेस आता हूँ, अभी तो खैर मैं यहीं पर वॉकिंग करने लग गया हूँ। अच्छा अच्छा, पहले भी जब आता था, पहले सबसे पहले यही खाता। अच्छा, भले यही खाने आते थे? अरे क्या बात है, तो आपको इनके सबसे बेस्ट लगते हैं और 30 रुपीज़ में वैसे भी पॉकेट फ्रेंडली है। एक और कस्टमर अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे खाना? मस्त, एकदम बढ़िया। कितने टाइम हो गया आपको खाते खाते? 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। तो पहले सबसे पहले कितने रुपए की खाई थी? शायद 20 रुपए की। 20 रुपए की, और आज 30 रुपए की, और अभी भी रोज ही खाते हो जब नेहरू प्लेस आते हो? मतलब वीकली 2 बार हो जाता है। अच्छा, हो जाता है। तो भाई मैंने 2 कस्टमर के रिव्यू दिखा दिया अंकल, कितनी फेमस दुकान है, आप भी एक बार ज़रूर आना। एक बार आओ, आप भी टेस्ट करो नेहरू प्लेस के अंदर। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।